Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine. And आप लोग टाइटल से तो पढ़ ही चुके हो कि आज का वीडियो क्या होने वाला है. तो क्योंकि summers are here in full bloom and it is the season for mangoes. मतलब I think mango is everybody's favorite. जैसे ही summers आते हैं, I don't think mango के ऊपर कोई भी fruit कोई भी जरा choose करेगा. And even I am the same. I love eating mangoes. But because I am an acne prone skin, मेरे को mango खाके बहुत ज्यादा pimple निकलने लग जाते हैं. तो मैंने पिछले 2-3 साल से शायद in total 2-3 ही आम खाए भी होंगे. But मैंने सोचा कि आज की वीडियो ऐसी की जाए कि मैं पूरा दिन सिर्फ mangoes खाना चाहती हूँ, ताकि जो मैं नहीं खाती हूँ पूरे सीजन में एक दिन में कंपनसेट हो जाए. सो टुडेज वीडियो इज गोना बी 24 आवर्स मैंगो रेसिपी चैलेंज. नाउ मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान की रेसिपीज नहीं निकाली है. आई जस्ट सर्च फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट मैंगो रेसिपीज एंड उसमें से हमने 3-4 रेसिपीज सॉर्ट करी है जो कि हम ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर में करने वाले हैं. सो यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड. And if you are new to this channel, please take out a moment and hit that red subscribe button and the notification bell right next to it so that every time I upload a new video, you get notified. Now, without any further blabbering, let's just dive right into the video. So, अभी बज रहे 11:30. आज का दिन काफी ज्यादा लेजी स्टार्ट हो रहा है. सो ब्रेकफास्ट के बदले हम लोग ब्रंच कर रहे हैं. तो पहली रेसिपी जो हमने डिसाइड करी है वो होने वाले मैंगो पैनकेक, जो कि हम अभी बनाने वाले हैं. मुझे पैनकेक उतने ज्यादा पसंद नहीं है, मे बी बिकॉज मैंने उतने ज्यादा पैनकेक्स ट्राई किए नहीं है. बचपन में एक दो बार खाए थे, वो भी खुद ही बना के. सो आई थिंक मैंने अच्छे से नहीं बनाए होंगे, इसीलिए मुझे उतने पसंद नहीं है. आज भी मैं खुद ही बनाने वाली हूँ. होपफुली दे टर्न आउट गुड एंड मुझे किचन में असिस्ट करने वाली है ड्रम रोल्स पूजा पांडे. हाय बोलो. हाय. तो चलो बनाते हैं मैंगो पैनकेक्स. तो इसके लिए मैं रेसिपी फॉलो कर रही हूँ cookpad.com की एंड हम स्टार्ट करेंगे. मैंने इसमें मेल्टेड बटर डाला है एंड अभी इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1 कप मैंगो प्यूरे. मैंने मैंगो प्यूरे खुद ही बनाई है घर पे बाय मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग सम मैंगोस विथ शुगर, क्योंकि थोड़े से खट्टे हो रहे थे. मैंगो प्यूरे डाल लिया है, अभी मैं इसमें क्रैक कर रही हूँ 1 अंडा. इट इज एन एग वाली रेसिपी, बट अगर आपको नहीं चाहिए एग सो आप एगलेस भी फॉलो कर सकते हो. अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मिल्क एंड नाउ आई विल विस्क इट ऑल टुगेदर. मैं इसमें 1-2 ड्रॉप येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ. इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी नहीं है, बट यू वांट इट टू लुक येलो एंड ऑल मैंगो. ओह माय गॉड, ये कभी देखा नहीं. अच्छे से मिक्स हो गया. सो अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ मैदा. हमें मैदा डालना है 1 कप. ये मेरा जो मेजरमेंट है ये 1/2 कप का है, तो फिर मैं 2 बार डालूंगी. अभी हमें डालना है इसमें बेकिंग पाउडर. सो वो डालना है 2 टेबलस्पून और मैंने पूरे इधर उधर ज्यादा गिरा दिया, बट वो अभी हम सफाई कर देंगे. अब हमें इस पूरे को मिक्स करना है. मेक श्योर देयर आर नो लम्स, बट डू नॉट ओवर मिक्स द बैटर. इट शुड बी थिक एंड क्रीमी इन कंसिस्टेंसी. ठीक है, तो फिर अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ. पैन हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पे एंड इसमें हल्का सा ग्रीस कर लो. ऑयल, बटर, घी, मैंने घी लगाया है एंड हमारा बैटर, क्योंकि बेकिंग पाउडर डाला था तो काफी फ्लफी फ्लफी सा हो चुका है. आई थिंक इट इज द राइट कंसिस्टेंसी. अब हम इसके पैनकेक्स बना लेंगे. अब मैं इसे थोड़ी देर कुक करूंगी ढक के, तब जब तक ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए. अभी इस साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने इसको पलट दिया है. आई थिंक इट लुक्स ओके. अब मैं इसको ऐसे ही सारे पैनकेक्स बना लेती हूँ एंड देन आई टेल यू हाउ इट टेस्ट. तो जैसे हम पैनकेक के ऊपर यूजुअली सिरप डालते हैं, हनी या मेपल सिरप, इसके लिए हम लोग स्पेशली मैंगो सिरप बनाएंगे. तो उसके लिए हमें लगभग 1/2 कप मैंगो प्यूरे चाहिए. तो इसको मैं इस बोल में बना रही हूँ. अभी हमें इसमें डालने हैं 2 टेबलस्पून ऑफ हनी. ये मेरी 1/2 टेबलस्पून है, तो फिर मैं 4 बार डालूंगी ताकि ये थोड़ा स्वीट रहे. एंड देन वी हैव टू ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर एंड नाउ मिक्स इट. ज्यादा ही थिक हो गया है, बट कोई बात नहीं, हमें इसे स्प्रेड कर देंगे. नाइस.
Now the final touch. Let's do the taste testing now. So अब हो रही है taste testing. मैं लग रही हूँ काम वाली बाई. But कोई बात नहीं. हम खा रहे हैं mango pancake. देखने में तो काफी अच्छा बना है. काफी fluffy बना है. अबे वो तो बस decoration के लिए. ऐसी खा लूँ तो बाद में. मैंने by the way तीनों layers में हमने वो लगा ली थी mango puree. So good. बस इसमें पता है हमें उसकी रेसिपी में चीनी नहीं रखी थी. हमें चीनी डालनी थी पहले. क्या अभी डाल जहाँ पे मैंगो आ रहा है वहां पे मीठा लग रहा है, बाकी में मीठा नहीं लग रहा है ना. अगर थोड़ा सा मीठा और होता तो बढ़िया हो रहा ना. अब मैं अगले बैच में थोड़ा सा इसमें डालूंगी हनी, क्योंकि चीनी तो अब मिक्स नहीं हो पाएगी. बट इट इज गुड. 10 में से कितना, नहीं 5 में से कितना रेट करें? चीनी के चक्कर में 4. मैं भी, मैं इसे बना के दोबारा खा सकती हूँ, मुझे अच्छा लगा. तो अब मैं जा रही हूँ हनी मिला के अपने लिए दूसरा बैच बनाने. आपको मिलते हैं लंच टाइम पे. बाय बाय. तो विद अ सक्सेसफुल नॉट सो सक्सेसफुल ब्रेकफास्ट, अभी बारी आ चुकी है लंच की. एंड काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, अभी 4:30 के आसपास बज रहे हैं. अभी हम लोग लंच कर रहे हैं बिकॉज दोस पैनकेक्स वर टू हैवी. माय स्टमक फेल्ट सुपर ब्लोटेड एंड मुझे कुछ भी खाने की हिम्मत भी नहीं थी, इतना ज्यादा पेट भर गया था. सो एंड एनीवेज हमने 11-12 बजे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था. सो इट मेड सेंस दैट वी वेटेड फॉर अ व्हाइल. कच्चा आम यूज करके हम अपनी लंच रेसिपी बनाने वाले हैं बिकॉज कच्चा आम आई रियली रियली लाइक. कच्चे आम के ऊपर रेड चिली डाल के इज सो गुड. बट आज हम बनाने वाले हैं मैंगो राइस. इट्स काइंड ऑफ लाइक लेमन राइस बट उसमें हम लोग मैंगो डालेंगे. सो लेट्स जस्ट बिगिन. सो अभी मैंगो राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे. तो अभी जब हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, थोड़ी सी चना दाल एंड उड़द दाल. साथ ही में हम लोग ने डाला है कड़ी पत्ता. इसको हम हल्का सौते कर रहे हैं. अगर आप लोगों को हरी मिर्च डालनी है तो आप इसी पॉइंट पर डाल सकते हो, बट मैं हरी मिर्च यूज नहीं करूंगी. तो अभी ये सौते हो गया, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया. तो अभी हम इसमें अपना ग्रेटेड कच्चा आम डालेंगे. तो अब हम इसमें अपने बेसिक मसाले डाल रहे हैं. लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर एंड धनिया पाउडर. नाउ मिक्स इट वेल. अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपना ऑलरेडी बॉइल्ड राइस. एंड अब मैं इस पूरे को अच्छे से मिक्स कर लूंगी. सो हमारा मैंगो राइस रेडी हो चुका है. हम लोग 5 बजे अपना लंच कर रहे हैं एंड हमने राइस के साथ साथ मैंगो चटनी भी बनाई जो कि इसने बनाई है. एंड अभी हम लोग आपको टेस्ट टेस्ट करके बताते हैं. ऑल्दो मैं ये दोनों चीजें ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी हूँ, बट मुझे ये देखना है कि ये दोनों साथ में कैसे टेस्ट कर रही हैं. चटनी ज्यादा लो. चटनी ज्यादा ओ, चटनी ज्यादा लगा दी. पूरा खट्टा खट्टा हो गया मेरे को. बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है. मैंने ज्यादा मिर्ची नहीं डाली थी राइस में तो वो चटनी के साथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैलेंस हो रहा है. मैं तो इसे 5 में से 5 देने वाली हूँ. एंड पैनकेक्स को मैंने 5 में से 4 दिया था, उसे मैं कम करके 5 में से 3 कर रही हूँ क्योंकि मेरा पेट खराब हो गया था उसको खाने के बाद. बट दिस इज 5/5. यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. तो कितने मार्क्स देंगे सर? 5 में से 5. नाउ वी विल एंजॉय दिस एंड वॉच सम शो. अब हम आप लोगों को मिलते हैं डिनर टाइम. बाय. सो गाइज इट्स डिनर टाइम एंड बहुत ज्यादा मैं थक चुकी थी एंड पापा भी आ चुके थे तो फिर मैंने इसके प्रोसेस को शूट नहीं किया बिकॉज काफी ज्यादा सिंपल रेसिपी है. मैं नीचे डाल दूंगी जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू सी कि ये कैसे बनता है. तो हमने बनाया है हमने बनाया है आमरस और पूरी. ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ. इसने पहले खाया हुआ है, इसको पसंद है, तो फिर मैंने सोचा कि ये ही बना लेते डिनर में. तो आज डिनर में हमारे पास कुछ भी सेवरी आइटम नहीं है.
ये है एंड एक और डिजर्ट है. नॉट दैट कि हमारा मेन कोर्स ऑलरेडी डिजर्ट नहीं बन चुका है, बट हमने फिर भी एक और डिजर्ट रखा हुआ है. So I'm taking my first bite and I'll tell you if it is worth trying or not. बुरा तो कुछ नहीं है, बट क्या मैं इसे दोबारा खाऊंगी? बिल्कुल नहीं. मैं डिनर में मीठा क्यों खाऊंगी? हाँ तो आज इसलिए खा रही, क्योंकि मैंगो खा लेते. तू तो पहले भी खा चुके ना ये. हाँ क्यों? क्योंकि ऐसे बन गया था ऐसे. नहीं मुझे तो ये कुछ ज्यादा खास लगा नहीं, मतलब सही है, बुरा नहीं है, बट डिनर नहीं. ये डिजर्ट है. तो गुजराती है. अच्छा है, बट मैं दोबारा नहीं खाऊंगी. चल रेटेड आउट ऑफ 5. 4. 2 लाइक ज्यादा हो गई. अब ये खा लेते हैं. थोड़ी देर में दिखाती हूँ डिजर्ट क्या है. ये ऑलरेडी खा चुकी है, तो मैंने अभी तक नहीं खाया. बाय. ओके सो दिस इज 2 days लेटर. लेकिन हमने कोई चीटिंग नहीं की है. वी डिड मैंगो रेसिपीज फॉर 24 आवर्स. ये हमारी मैंगो कुल्फी है जो मैंने उसी दिन बना ली थी और हमने उस दिन खाई भी थी, बट हमने शूट नहीं किया. हमने सोचा कि पहले खा लेते हैं, खाना लगा हुआ था, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी वाली कुल्फी से शूट कर लेंगे. लेकिन उसके बाद हमारी कुल्फी मोल्ड से निकली नहीं, तो फिर हमने सोचा चलो कल बना लेंगे इसका वीडियो. हमने उसी दिन खाई थी, मतलब हमने ना इसमें खाई है. मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया, सो दिस विल बी माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग इट. ये तो ऑलरेडी खा चुकी है. नहीं ऐसे मत कर, ऐसे करना, ऐसे ही ले ले. अरे ये कट गया, ये ले ले. हाँ सो मैं अभी तू पहले ले ले, वो वीडियो के आगे हाथ लेके आ रही है. इधर ले, खा, कुल्फी देख के टूट गई है. ये आएगी कैसे? पर ये ले ना. अच्छा ऐसे लेना है. 14 स्पून ला लेती. ठीक है, सो ये पहले ट्राई कर चुके हैं. मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, सो इसको तो पता ही है कि कैसी हो रही है, और ये दोबारा खा रही है तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छी होगी. मैंगो की पीसेस भी आ रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे हो रहे हैं. मस्त मस्त. 5 out of 5. दिस इज डेफिनेटली 5 out of 5. मुझे ज्यादा मीठी चीजें पसंद नहीं है, कुल्फी तो मुझे स्पेशली पसंद नहीं है. मीठा है भी नहीं है. हाँ बहुत ज्यादा मैंने माइल्ड मीठा डाला तो ज्यादा हो भी नहीं रहा है, बट बीच में जो आम के पीसेस आ रहे खट्टे खट्टे मीठे मीठे, वो बहुत ही अम हो रहा है. अदर देन दैट ये कुल्फी वैसी हो रही है, मतलब जो मदर डेयरी में मिलती है बहुत ज्यादा क्रीमी रिच वैसी वाली नहीं हो रही है. दिस इज मोर लाइक क्रीमी एंड आइसी, बीच में ना बर्फ बर्फ, जैसे वो बचपन में घंटी बजा के अंकल नहीं आता था कुल्फी, उनकी जैसी नहीं हो रही है. बर्फी. हाँ मैं रेडी लगा रही हूँ कुल्फी की, जो कि ये काली कर देगी, क्योंकि इसको मीठा और ठंडा बहुत ज्यादा पसंद है. सो ये काफी अच्छी हो रही है. लाइक मुझे तो मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये मुझे पसंद आ रही है, तो फिर जिन्हें पसंद है उन्हें तो बहुत पसंद आएगी. तो हो गया ये वीडियो खत्म. डन. बाय बाय. अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, और अगर आप लोग चाहते हो मैं और ऐसे 24 आवर चैलेंजेस करूं, मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताना कि आप और कौन से चैलेंजेस देखना चाहोगे. या लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी. बाय बाय.